Audio Jungle. मेंसुरेशन, अभी स्टूडेंट्स हमारा जो है ये लेक्चर 3 है, ठीक है। अब स्टूडेंट देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 16 को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब इसमें स्टूडेंट्स ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है और इसमें ये गिवन है कि ए बी इक्वल टू सी डी। अब ए बी कौन है, ये ए बी है और ये सी डी है स्टूडेंट्स, यानी ये अपोजिट साइड इक्वल है और बी सी ये, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अपोजिट साइड का ईच पेयर, यानी ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, ठीक है। अब इसका हमें एरिया फाइंड करना है, तो एरिया फाइंड करने के लिए अब स्टूडेंट्स पैरेललोग्राम में क्या होता है कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है, ठीक है, ये पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। यानी इसका मतलब ये है कि एरिया ट्रायंगल एबीसी और एरिया ट्रायंगल एडीसी, इन दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा, ठीक है। एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, सो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि एरिया ट्रायंगल, जो हमारा एरिया ट्रायंगल एबीसी है, ठीक है, ये इक्वल हो जाएगा एरिया ट्रायंगल ए डी सी के, इसके इक्वल हो जाएगा ए डी सी के इक्वल हो जाएगा, जो एरिया ट्रायंगल ए बी सी है ये एरिया ट्रायंगल ए डी सी के इक्वल हो जाएगा। यानी हमारे कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि एरिया पैरेललोग्राम जो ए बी सी डी है, अरे यार, जो एरिया पैरेललोग्राम हमारा ए बी सी डी है, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2 इंटू एरिया ट्रायंगल, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। अब इसमें समझने वाली बात क्या है स्टूडेंट, देखिए जब ए बी सी का इसका एरिया और इस वाले ट्रायंगल दोनों का ट्रायंगल का एरिया इक्वल है, तो अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया निकाल करके उसका डबल कर देंगे तो पूरे पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमें ए डी सी का परपेंडिकुलर गिवन नहीं है, हमें ट्रायंगल ए डी सी में परपेंडिकुलर नहीं बना है, परपेंडिकुलर केवल किस में बना है, ए बी सी में, तो इसलिए हमने ये कर दिया। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1/2 बेस, ठीक है, बेस कौन है, ए सी है, इंटू हाइट कौन है, ये जो 3 दी गई है, यहाँ पर अगर हम एक पॉइंट एम ले लें, ठीक है, तो ये हो जाएगा बी एम, ये बी एम हो जाएगा। अब देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल कर देंगे, ए सी की वैल्यू कितनी है, 12 दी गई है स्टूडेंट्स, और बी एम की वैल्यू कितनी है, 3 दी गई है, तो 12 × 3 जा कितना हो गया, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, आंसर बी आ जाएगा स्टूडेंट्स। 16, चलिए अब देखिए 17 कैसे करेंगे, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ अ रोम्बस। तो अब स्टूडेंट्स रोम्बस का एरिया निकालने के लिए इसमें क्या करेंगे कि रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम होता है स्टूडेंट्स, रोम्बस इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, तो इसलिए इस वाले ट्रायंगल का एरिया, ये जो ट्रायंगल बना है, ठीक है, ये पूरा ट्रायंगल इसका और इसका एरिया दोनों का इक्वल होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें ए सी की वैल्यू 6 दी गई है, यानी ये हमारा डायगोनल 6 दिया है, और बी ई, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो वैल्यू दी गई है वो है 6 सेंटीमीटर ये, और इस बी ई की जो वैल्यू दी गई है ये दी गई है 4 सेंटीमीटर, ये आ गया, ठीक है। तो हम सीधा सीधा इसका निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें भी ये क्या है कि रोम्बस, रोम्बस इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, रोम्बस भी जो है वो स्टूडेंट्स एक पैरेललोग्राम होता है, ठीक है,
अब इसमें प्रॉब्लम क्या, देखिए रोम्बस इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, ठीक है, तो इस वाले ट्रायंगल का यानी एरिया ठीक है ए बी सी डी, ए बी सी डी इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया ट्रायंगल ए सी बी, ठीक है, ये भी इसी तरीके से हो जाएगा। तो अब टू, अब ए सी बी क्या हो जाएगा, 1/2, ठीक है, और बेस बेस ए सी है और परपेंडिकुलर क्या है, बी ई है, ये हो गया। तो बस इस टू से इस टू को कैंसिल कर दीजिए। अब ए सी की वैल्यू कितनी दी गई, ये दी गई स्टूडेंट, ए सी की वैल्यू दी गई 6 सेंटीमीटर और बी ई की वैल्यू दी गई है 4, तो ये आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से सीधा सीधा था स्टूडेंट्स, बस उसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि रोम्बस इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, ठीक है। अब पैरेललोग्राम या रोम्बस का डायगोनल उसे दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर देनी है, इस ट्रायंगल का एरिया जो होगा वो इसका होगा, यानी देखिए एरिया ट्रायंगल जो है ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल, ये आ जाएगा हमारा डी सी ए, ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो जब इसका हम सम करेंगे, मान लीजिए इसका एरिया एक्स है और इसका एरिया एक्स है, ठीक है, तो पूरे का एरिया मिला के क्या हो गया, 2x हो गया, ठीक है। अगर एक आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो कॉमन सेंस लगाइए कि इस वाले ट्रायंगल का एरिया एक्स है, इसका एक्स है, तो टू दोनों का मिला करके 2x हो गया, तो ये 2 है और ये हमारा एक्स है, ठीक है। अब 18 में क्या है, देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया गया है, वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, और उसका एल्टीट्यूड 5 सेंटीमीटर दिया था, लेंथ ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग साइड इज, ठीक है, तो इसमें सीधा सीधा हो जाएगा स्टूडेंट, बस कुछ नहीं है, फॉर्मूला लिख देना है आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड या करस्पॉन्डिंग हाइट। अब देखिए पैरेललोग्राम का एरिया कितना दिया, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया, एल्टीट्यूड उसका 5 है, ठीक है, तो इसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड है, ठीक है, या उसको बेस बोलेंगे, हमने उसको यहाँ एक्स मान लिया बस, तो उसकी वैल्यू 12 आ जाएगी, एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 60/5 इज इक्वल टू ये आ गया 12, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में आ जाएगा, तो 18 का आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए क्या है, पेरीमीटर ऑफ अ ट्रेपीजियम इज 52 सेंटीमीटर एंड इट्स ईच नॉन पैरेलल साइड, ठीक है, चलिए एक ट्रेपीजियम हम बना देते हैं, ये स्टूडेंट्स एक ट्रेपीजियम का फिगर हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है वो कि पेरीमीटर, तो देखिए पेरीमीटर कितनी हो गई, उसकी हो गई 52 सेंटीमीटर, पेरीमीटर का मतलब है जो चारों साइड हैं उसका सम, ठीक है, ये हो गया पेरीमीटर कितना हो गया 52 सेंटीमीटर एंड इट्स ईच नॉन पैरेलल साइड इज इक्वल, तो ये नॉन पैरेलल साइड है ये इक्वल है, ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स 10 सेंटीमीटर है, ये नॉन पैरेलल साइड उसकी ये 10 सेंटीमीटर है, विथ इट्स हाइट 8 सेंटीमीटर, और इसकी जो हाइट दी गई है वो दी गई है 8 सेंटीमीटर। अब देखिए हाइट कौन होगी, ये ही हो जाएगी इसकी हाइट, ये हो गई, ठीक है, ये इसकी हाइट हो जाएगी, ये हाइट कितनी हो गई, ये हाइट हो गई 8 सेंटीमीटर, मान लो इसको हमने एम लिख दिया, डीएम, तो ये हो गया स्टूडेंट इसकी जो हाइट डीएम, या इसको हाइट बोलेंगे, वो कितनी है 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब कह रहा है इट्स एरिया इज, ठीक है, तो अब इसका एरिया हमें फाइंड करना है, पेरीमीटर ऑफ अ ट्रेपीजियम, अब चूंकि पेरीमीटर दी गई है स्टूडेंट्स, ठीक है, एंड इट्स नॉन पैरेलल साइड इज इक्वल टू, चलिए तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, तो अब देखिए पेरीमीटर ऑफ ट्रेपीजियम,
पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम क्या होगा स्टूडेंट्स? पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी और प्लस हो जाएगा डी ए। ठीक है, ये हो गया। अब पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम कितना दिया गया स्टूडेंट्स हमें? 52 दिया गया है। ए बी की वैल्यू हमें दी नहीं गई है, ठीक है। बी सी की वैल्यू हमें 10 दी गई है, सी डी की वैल्यू हमें नहीं दी गई है और डी ए की वैल्यू हमें 10 दी गई है। ठीक है, तो ये हो गया कि 52 और इस 10 और 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 20, तो इसको इधर ट्रांसफ़र कर दिया तो हमें क्या मिल गया? ए बी प्लस सी डी। तो अब स्टूडेंट्स ये हो गया ए बी प्लस सी डी इक्वल टू कितना आ गया? 32 आ गया। ठीक है, अब इसको अभी यहीं ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। अब देखिए इसका यूज क्या होगा, ए बी प्लस सी डी आ गया। अब इसके बाद हम फॉर्मूला लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, तो इसका एरिया हम लिखेंगे 1/2, ये होता है स्टूडेंट्स सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ठीक है, तो आप स्टूडेंट ध्यान से देखिए, ए बी और सी डी का सम क्या है? यही तो पैरेलल साइड है। ए बी और सी डी का जो सम है यही है सम ऑफ पैरेलल साइड ए बी प्लस सी डी। तो इसकी वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड हो गई कितनी? 32। और हाइट कितनी है? हाइट दी गई है 8। ठीक है, यहाँ पे ये लिख रखी डी एम बराबर 8 सेंटीमीटर। ये हो गया। अब इस 2 से इस 8 को कैंसिल कर दो, ये आ गया 4 दूनी 8 और 4 3 12, कितना आ गया? 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इस तरीके से स्टूडेंट इसका आंसर था। किसका आंसर है ये? 19 क्वेश्चन का आंसर आ गया सी हमारा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज 20 सेंटीमीटर एंड परपेंडिकुलर ऑन बी डी फ्रॉम अपोजिट वर्टिसेज आर 1 सेंटीमीटर एंड 1.5 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ बी डी इज। चलिए इसका एक फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए कह रहा है एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर्स ऑन बी डी फ्रॉम अपोजिट वर्टिसेज। चलिए मान लीजिए हम इसको इस तरीके से बना दें, ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब इसमें कह रहा परपेंडिकुलर्स ऑन बी डी, ये हो गया हमारा स्टूडेंट्स। अब ये आ जाएगा ए बी सी और डी। ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल 20 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर ऑन बी डी फ्रॉम अपोजिट वर्टिसेस। अब ये बी डी यानी एक डायगनल है, यहाँ पर एक डायगनल बी डी हम ज्वाइन करते हैं बी और डी को, ये हो गया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अपोजिट साइड से इस पे डायगनल डाले गए। मान लीजिए एक परपेंडिकुलर हमने यहाँ से इस पे ये ड्रॉ किया, ठीक है, और दूसरा परपेंडिकुलर हम यहाँ से इस पे हमने डाल दिया ये। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि इसकी वैल्यू दी गई है, एक दिया गया है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, ये थोड़ा छोटा दिख रहा हो, ये हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। ये दोनों 90 का एंगल बनाएंगे इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए इसका एरिया दिया गया है, का एरिया कितना दिया गया? 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, द लेंथ ऑफ बी डी, तो बी डी की लेंथ हमें फाइंड करनी है। ठीक है, बी डी की लेंथ हमें फाइंड करनी है। तो अब देखिए एरिया, अबे सारी नौटंकी हो गई, तो ये एरिया कितना हो गया स्टूडेंट्स? एरिया इक्वल टू यानी ए बी सी डी का एरिया, ए बी सी डी जो है इसका एरिया क्या हो गया? ये हो गया एरिया ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ट्रायंगल बी डी सी।
ये हो जाएगा बी डी सी। अब देखिए इसकी वैल्यू दी गई स्टूडेंट्स आपको 20, ठीक है। ए बी डी का एरिया हम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2 बी डी इंटू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना है ये बन दिया गया, फिर 1/2 बी डी सी का निकालोगे तो बेस बी डी है और इसका जो परपेंडिकुलर दिया है वो दिया है 1.5। बस इसी को सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए 1/2 इंटू बी डी, यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, ये कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचा 1 और दूसरे यहाँ ब्रैकेट में बचा 1.5, तो ये आ गया 1/2 इंटू बी डी इंटू 2.5, ठीक है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो ये 40 हो जाएगा, 20 और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू 25 इंटू बी डी, ये आ गया। तो अब यहाँ से बी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट, बी डी की वैल्यू आएगी 40/2.5। तो यहाँ से ये कर दीजिए, डेसिमल हटा दिया, देख जीरो बढ़ गया, 25 से कम 25, बचे कितने 15, 25 छक्का 150, तो ये 16 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया स्टूडेंट्स। 20 का कितना हो जाएगा सी आ जाएगा इतने सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चंस आपको इस तरीके से करने थे, बाकी हम स्टूडेंट्स आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।